हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 47। इससे पहले जिन भी बच्चों ने MCQ 1 से लेके MCQ 46 तक नहीं देखा हो, वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके MCQ देख लें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की पेपर में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, और MCQ 1 से 50 कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को उसी दिन PDF भी दे दूंगा, सो PDF के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में किसको दिया गया है, किसको नवाजा गया है। बेस्टोड का मतलब होता है सम्मानित करना या फिर नवाजा जाना, तो वो मिला है श्याम बेनेगल जी को। ये एक बंगाली हैं, श्याम बेनेगल जी को ये अवार्ड मिला है। सो क्योंकि अवार्ड है और इसके काफ़ी कम क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं, तो इसको याद रखना है, श्याम बेनेगल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वी शांतारमन मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवेज होते हैं, ऐसे ही नेशनल हाईवेज हमारे वाटर में भी होते हैं। ठीक, एक नेशनल हाईवे होते हैं रोड साइड और एक नेशनल हाईवेज होते हैं वाटर साइड। तो आज ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में। सॉरी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम क्या है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, यानी जो जल मार्ग है हमारा उसके विकास के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक से एक साइन किया है। ठीक है, अब ये जल मार्ग का जो विकास करना है वो कहाँ पे करना है, किस नदी पे करना है, कौन से इनलैंड वाटर लाइन पे करना है, तो उसको करना है गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि आपको याद रखना है गंगा नदी में जल मार्ग बनाने के लिए IWAI यानी कि इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, वर्ल्ड बैंक हमको लोन देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आज की डेट में हमारे पास टोटल 111 नेशनल हाईवे हैं जो कि वाटर से संचालित होते हैं, यानी कि देयर आर 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटर हाईवेज। तो आज पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने जल मार्ग हैं हमारे पास, ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें टिक करना है आपको 111। ठीक, और ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 यानी कि आज से 2 साल पहले एक एक्ट बना है जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन हमसे पहले पूछा जाता 2014 में या 2015 में, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल हाईवेज थे, लेकिन 2016 में जब ये एग्रीमेंट आया, ये एक्ट आया नेशनल वाटरवेज एक्ट, तो 106 नए वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम शुरू हुआ। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आउट ऑफ 111 106 वर क्रिएटेड इन 2016। तो आज की डेट में हमारे पास 111 है और 2016 में एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत 106 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव दिया गया और आज की डेट में 111 हो गए। और ये टोटल नेटवर्क कितना हो गया है, ये टोटल नेटवर्क है लगभग 20,275 किलोमीटर का। यानी कि अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि टोटल जल मार्ग की लंबाई कितनी है, यानी कि जल मार्ग की लंबाई कितनी है, वो लगभग कितनी है, 20,275 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा होता है नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 2, ऐसे नेशनल हाईवेज ये भी है हमारे। तो नेशनल हाईवे 1 में कौन सा आता है, अगर जल मार्ग में बात की जाए तो जल मार्ग में नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, जो गंगा नदी के ऊपर बना है, कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया से इलाहाबाद, यानी कि नेशनल हाईवे 1 किसके ऊपर बना है, गंगा के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक है, यह है हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, अगर ये बात की जाए नेशनल हाईवे 2 की, तो वो किसके ऊपर बना है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, किसके ऊपर बना है,
ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ से कहाँ तक है? दुर्बी से सादिया तक। DHURBI, दुर्बी से सादिया तक। ठीक, ये देखिए, ये रहा दुर्बी हमारा वेस्ट बंगाल में, और ये सादिया हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ठीक है। तो ये इतना लंबा मार्ग हमारा ब्रह्मपुत्र का है। और नेशनल हाईवे 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। तो आपसे सब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो वो है गंगा नदी के ऊपर। कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया से इलाहाबाद के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, कितने जलमार्ग हैं? 111। ठीक है, ये पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है धुरबी से सादिया तक। ठीक है, तीसरा NH3। NH3 क्या है? NH3 है हमारा ये रहा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल कनाल के ऊपर है, वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट कोस्टल, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसके ऊपर ये बना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कल्लम टू कोट्टापुरम। ठीक, ऐसे NH4 हमारा किसके ऊपर बना है? ये रहा, गोदावरी नदी के ऊपर बना है, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये नेशनल हाईवे 3 है, और नेशनल हाईवे 4 हमारा ये था, सॉरी, कृष्णा गोदावरी के ऊपर नेशनल हाईवे 4 है, और नेशनल हाईवे 5 कहाँ पे है? वो बना है हमारा ब्रह्मणी नदी के ऊपर। ठीक है, जो कि गंगा नदी की एक सहयोगी नदी है, ये रहा। और नेशनल हाईवे 6 भी एक इस तरह से। तो मेन आपको याद रखना है NH1, NH2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और NH4 जो कि कृष्णा नदी के ऊपर है और गोदावरी नदी के ऊपर है। तो मेन ये 3 है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, 1, 2 और 4 के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NBCC? NBCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय बिल्डिंग निर्माण कॉरपोरेशन। ठीक है, इस तरह से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लिखा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि NBCC ने अभी अभी ट्विन टावर बनाने का एक फैसला लिया है गुवाहाटी में, जो कि कहाँ पे? असम में। तो ट्विन टावर ट्रेड सेंटर, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका के न्यूयॉर्क में, उसी तरह से ट्विन टावर ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा इंडिया में, कहाँ पे? गुवाहाटी, जो कि असम में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच टास्क फोर्स हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाई यूनियन गवर्नमेंट टू स्टडी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री? जी हाँ, हमारी जो आर्मी है, आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट टाइप की टेक्नोलॉजी, या फिर फुली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, या फिर वो कितनी कारगर साबित होगी इस चीज की रिसर्च के लिए, एक टास्क फोर्स बनाई गई है। उसका नाम क्या है? नटराजन चंद्रशेखर टास्क फोर्स। ठीक है, और इस टास्क फोर्स में टोटल 17 मेंबर होंगे, और उसकी लीड कौन करेगा? वो है एन चंद्रशेखरन, वो इसको लीड करेंगे, इसकी चेयर करेंगे। यानी टोटल 17 लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके हेड कौन है? एन चंद्रशेखरन। एन से मतलब नटराजन चंद्रशेखरन, और इसीलिए इस टास्क फोर्स का नाम क्या है? नटराजन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स। और ये क्या करेगी? आर्मी में फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के योगदान पे रिसर्च करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर। और मान के चलिए ये किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक बुक है एग्जाम वॉरियर, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। सो अब आपसे एक क्वेश्चन, इसको पलट के ऐसे पूछ सकता है, नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बुक लिखी है? तो वो कौन सी है? एग्जाम वॉरियर। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है? डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन लाइफ, की जो आज की युवा है उनको इंस्पायर किया है कि एग्जाम्स में अपनी लाइफ से, लाइफ में जो नए नए
उतार चढ़ाव आते हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक उसका बल्कि सामना करना है एक न्यू एनर्जी के साथ, जैसे कि उन्होंने किया, इस तरह से उन्होंने बताया है अपनी इस बुक में, ठीक है। और इस बुक को किसने रिलीज किया यानी इसका विमोचन किसने किया, वो थी हमारी सुषमा स्वराज जी, ठीक है। तो ये विदेश मंत्री हमारी इस तरह से, इस बुक का राइटर कौन है, एग्जामिनर, एग्जाम वॉरियर के नरेंद्र मोदी जी, विमोचन किसने किया, सुषमा स्वराज ने। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर रिमाइंड कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे रख लिया है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। तो वो है सुदीप लखटकिया, सुदीप लखटकिया जी को NSG का न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द थीम ऑफ WCD 2016 इज क्या है, वी कैन आई कैन, और ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को हर साल, ठीक है। मैंने अपने लास्ट MCQ 46 में इसके बारे में बताया था कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। WCD का मतलब होता है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को हर साल, लेकिन 2018 में, यहाँ 17 होगा, 2017-18 में जो थीम थी उसकी क्या थी, वी कैन आई कैन, ठीक है, हम सब साथ मिलके और मैं भी एड्स सॉरी कैंसर से लड़ सकते हैं, ये इसकी थीम थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया ओपन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, जी हाँ, इंडियन ओपन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है बैडमिंटन से, ठीक है, और ये हर साल इंडिया में होता है, कहाँ पे, श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि न्यू दिल्ली में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन ओपन किस खेल से संबंधित है, या फिर ऑप्शन दिया रहेगा बैडमिंटन से कौन सा कप संबंधित है, तो दिया होगा हीरो कप, ओ इंडिया, इंडिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन तो टेनिस से रिलेटेड हो गए, इंडियन ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड हो गया। तो इस साल इंडियन ओपन के विनर कौन है, तो वो है बिवेन झांग, जो कि अमेरिका से है। एक्चुअली लास्ट ईयर PV सिंधु ने जीता था इस अवार्ड को, इंडियन ओपन को, लेकिन इस साल वो ये खिताब नहीं जीत पाई और हार गई और रनर अप रही हैं। लेकिन तो वुमेन सिंगल्स में विजेता कौन है, बिवेन झांग अमेरिका से। और इसके अलावा भारत की दावेदारी और किसी चीज़ के लिए नहीं थी, ना ही मेंस सिंगल के लिए, ना ही मेंस डबल के लिए। तो मेन क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, वुमेन सिंगल इंडियन ओपन में कौन विनर थी, तो वो थी बिवेन झांग अमेरिका की। या फिर पूछ सकता है मेंस सिंगल कौन थे, तो वो थे सी यूकी, जो कि चाइना से थे। तो ये दो चीज़ें पूछी जाएंगी, इन्हीं को याद रखना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।